श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में गोस्वामी जी लिखते हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सुहाई। कहु भगति पथ कवन प्रयासा। राम जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में क्या किसी प्रयास की आवश्यकता है? किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। और जितने साधन कहे गए हैं ग्रंथों में, वेदों में, उन सब की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रयास में क्या, जोग नमक जप तप उपवास, ये जितने प्रयास कहे गए ना, योग करना, यज्ञ करना, है ना, तपस्या करना, किसी भी अन्य चीज का जप करना, लोग माला लेके जप करते ना वो, या फिर उपवासा, या किसी भी प्रकार का व्रत, कोई भी व्रत सही है ना, जोग नमक जप तप उपवासा, किसी भी व्रत की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए क्या आवश्यक है, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, आपका सरल जो स्वभाव है सरल हो, सबके साथ विनम्र हो, और ना मन कुटिलाई, मन में कुटिलता ना हो, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा, कुटिलता होने नहीं चाहिए। और जथा लाभ संतोष सदाई, जैसा भगवान परिस्थिति में रखें, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो उसी को अपने जीवन यापन का माध्यम बनाना और उसी में संतुष्ट रहना, बस यही भगवान की भक्ति का मार्ग है। जब तक जीव को अपने साधन का अभिमान रहता है, तब तक जो वास्तविक भक्ति है उसकी जीव को प्राप्ति नहीं होती। जब सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है, तब भक्त के मन में ये बात आती ही नहीं है कि मैं भजन करता हूं, मैं जप करता हूं, मैं व्रत रखता हूं, किसी भी प्रकार की बात भक्त के मन में आती ही नहीं है। देखिए हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं राम जी से, जानहु नहु कछु भजन उपाई। हे नाथ, मैं कोई भजन नहीं जानता। हनुमान जी महाराज जो भक्ति के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं कि भजन क्या होता है, कैसे होता है। माता शबरी, माता शबरी में 9 प्रकार के भक्ति विद्वान थी, है ना, लेकिन वो क्या कहती हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महिमे मति मंद अघारी। भक्ति 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के सामने कैसी दीनता है, कैसी विनम्रता है। भगवान क्या कह रहे हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। मैं तुमसे 9 भक्ति कहता हूं, आप उनको ध्यान से सुनिए। और जब कह ली तो नव महु एक उज्जन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति जड़ तोरे। किसी में एक भक्ति भी हो तो वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। लेकिन आप सकल प्रकार भक्ति जड़ तोड़े, आप में तो सभी प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति मैंने कही है, 9 की 9 प्रकार की भक्ति आप में जड़ है। अब देखा जाए तो हनुमान जी और माता शबरी अब झूठ तो नहीं बोलते, कोई चतुराई करते हैं, नहीं करते ना। आप कह नहीं उन्होंने तो झूठ बोला, कोई चतुराई करी नहीं, सरल स्वभाव, सरल भाव से कहा। क्यों, क्योंकि उनमें लेश मात्र अभिमान नहीं है अपने साधन का, जाना उन्होंने कछु भजन उपाय।
भक्त अपने में कोई विशेषता नहीं देखता, वो केवल भगवान की कृपा को ही मानता है। और जब कोई अपनी चीज है ही नहीं तो फिर अभिमान किस बात का। जब मैं अपने में कोई गुण देखूंगा, उस गुण को अपना मान लूंगा, तभी तो उस गुण का अभिमान होगा ना। और भक्त, भक्त तो अपने में कोई गुण देखता नहीं, जब देखता नहीं तो किसी गुण को स्वीकार नहीं करता, तो फिर भक्त में अभिमान भी पैदा नहीं होता। भगवान कहते हैं, जैसे भगवान की कृपा सब पर है बराबर रूप से ना, अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर जाया। सब पर मेरी दया बराबर है, पापी है पुण्यात्मा है ना, लोभी है लालची है साधु है संत है महात्मा है जीव है जंतु है पशु पक्षी है, सब पर मेरी बराबर दया। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, समान रूप से है ना, लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त उस कृपा प्रसाद को साधता है। जैसे देखा होगा आपने, लोग सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको किसी लेंस में से पास करते हैं, वो क्या करता है कि आसपास की जितनी किरणें उस पर पड़ती हैं उनको एक केंद्र पर ले जाके केंद्र बिंदु पर वो स्थित कर देता है ना। जब एक केंद्र पर केंद्रित हो जाती हैं सूर्य की किरणें, तो क्या होता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। अब अग्नि कहां से प्रकट हुई, अग्नि को प्रकट करना सूर्य का काम था, और वो जो कृपा रूपी जो किरणें हैं उनको एकत्र करना शीशे का काम था। ऐसे ही कृपा करना भगवान का काम है, और भगवान की जो कृपा है उस कृपा को साध लेना वो भक्त का काम है। भगवान की कृपा को स्वीकार कर लेना वो भक्त का काम है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात है क्या, सूर्य के प्रकाश में कोई पक्षपात है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार अपने में जब अभिमान नहीं होता है, जब भक्त अभिमान शून्य हो जाता है, तो भगवान की जो कृपा का प्रभाव है वो सीधे भक्त पर होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ रहा है, सब पर है ना, अब कोई पेड़ के नीचे आ गया है ना, कोई किसी झोपड़ी के नीचे बैठ गया, किसी ने अपने सर पे छाता लगा लिया, कोई घर मकान में चला गया, तो सबने एक बंधन बांध दिया अपने उस प्रकाश के बीच में कि वो प्रकाश सीधे मुझ तक ना आए, और उस बंधन को वो आनंद समझने लगा कि अरे बाहर तो प्रकाश है धूप है, और पेड़ के नीचे कितना आनंद आ रहा है, घर के अंदर कितना आनंद आ रहा है। उसने उस कृपा को तो नहीं ज्यादा, उसने जो लौकिक सुख है उन लौकिक सुखों में वो आनंद लेने लगा। वही जीव के साथ होता है, वो भगवान की कृपा को तो साधना भूल जाता है, और जो लौकिक सुख है उन लौकिक सुख में वो अपना आनंद ढूंढने लगता है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। जब भी अपने में कोई विशेषता दिखाई दे, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना समझदार हूं, मेरे में इतनी योग्यता है, तो वो जो अभिमान है ना, मैं इतना भजन करता हूं, मैं इतना नाम जप करता हूं, हर चीज का अभिमान है, मैंने इतने व्रत उपवास कर लिए, मैं व्रत उपवास में ऐसा कठोर नियम रखता हूं, मैं नाम जप में ऐसा कठोर नियम बना के रखता हूं, ये जो मैं है ना, मैं अरुमोल तोल ते माया, यही माया पकड़ लेती है। अच्छा, मैं इस मैं के पीछे जा रहे हो ना, कि मैंने किया, मैंने भजन किया, मैंने दान दिया, मैंने जप तप किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने उपवास किया, इस मैं के माध्यम से ही तुम्हें गिराया जाएगा। माया गिराती है, मेरे में इतनी योग्यता है, मेरे में इतनी योग्यता है, ये जो अभिमान बीच में आ जाता है ना, यही जो भगवान की जो कृपा बरस रही है उस कृपा के बीच में यही बाधा बन जाता है। अपने में थोड़ा भी गुण दिखाई दिया, थोड़ी भी कोई विशेषता, कोई पुरुषार्थ, कोई योग्यता, कुछ भी अपने में दिखाई यदि दी तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अपना जो अभिमान है यही भक्ति में बाधक है। इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए
तो भक्त उसको अपना नहीं मानते, भगवान का ही मानते हैं कि भगवान के द्वारा हुआ है, भगवान की इच्छा से हुआ है। आच ही करे सो राम जी है, आच ही करे सो राम जी, कै सदगुरु कै संत, भूड़ी बने सो आपकी ऐसी उदारंत। कोई भी अच्छा काम बन रहा है तो वो या तो भगवान से बन रहा है, या फिर गुरु से बन रहा है, या फिर संतों से बन रहा है। देखो वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं ना, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। भक्त गुण को तो भगवान का मानता है और दोषों को अपना मानता है। गुण भगवान के हैं, भगवान के स्वतः सिद्ध हैं ना, और अवगुण है वो हमारे अभिमान जनित हैं, हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारे जो माया रूपी जो दर्पण है उसके द्वारा अपने में जो अभिमान है अवगुण है वो है। इसलिए भक्त बिल्कुल स्पष्ट देखता है कि देखो ये जो अच्छा हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है वो मेरी भूल चूक से हो रहा है। और वास्तव में बात यही सच्ची है, भक्त कोई चालाकी थोड़ी करता है, कोई झूठ थोड़ी बोलता है, उसको ऐसा दिखाई देता है कि हाँ भाई मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं, ये तो भगवान की कृपा से ऐसा काल बन गया जिसको लोग समझ रहे हैं कि मैंने किया, मेरी बड़ाई कर रहे हैं। गोस्वामी जी मानस जी को लिखते हैं तो क्या कहते हैं, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, मैंने तो कागजों को कोरा ही छोड़ दिया, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैं सत्य कहता हूं। तो उसी प्रकार भक्त ये समझता है कि जो कुछ हुआ सब भगवान की कृपा से हुआ है और बड़ाई सब मेरी कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज जो लंका से लौटते हैं तो भगवान का तो स्वभाव होता ही है भक्तों को बड़ाई देना, तो राम जी के पास आए लौट के और राम जी ने उनसे कहा, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन उधारी। हनुमान जी आपके समान मुझ पर उपकार करने वाला कौन होगा, आज इस धरती पर इस लोक में कोई देवता कोई मनुष्य है ना, कोई ऋषि मुनि या फिर किसी भी और तन को धारण करने वाला कोई भी शरीरधारी है ना, सुन कभी तो ही समान उपकारी, तुम्हारे समान मुझ पर उपकार करने वाला आज इस धरती पर दूसरा नहीं है। हनुमान जी महाराज तो समझते हैं ना कि गुण तुम्हारा समझे ही निज दोषा, कि जो कुछ हुआ है भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान की इच्छा से हुआ है। हाँ भगवान मुझे मान बढ़ाई दे रहे हैं तो ऐसा ना हो ये मैं मान बढ़ाई मेरे हृदय में घर कर जाए, अभिमान उत्पन्न करते। तुरंत हनुमान जी कहते हैं, सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, ताही ताही भगवंत। अरे हनुमान जी पर कौन सी आफत आ गई थी, कोई मुसीबत आ गई क्या, हनुमान जी कहने लगे त्राही माम त्राही माम त्राही माम, कौन सी संकट आ गया हनुमान जी पे, संकट मोचन नाम त्याग। हनुमान जी पे कौन सा संकट आ गया जो हनुमान जी भगवान से कहने लगे प्रभु त्याही माम त्राही माम त्राही माम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, बचाओ मुझे बचाओ मुझे। कौन सी आफत थी, कौन सी मुसीबत आ गई, वो मुसीबत थी अभिमान। भाई भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए हनुमान जी त्राही माम रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए कहने लगे और बोले कि प्रभु जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ है, जो कुछ भी मेरे से संभव हुआ, वो केवल और केवल आपकी इच्छा और केवल आपकी कृपा से हुआ। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, वो सब आपकी कृपा से हुआ है। और यहां यहां दिन में यदि कोई 2.5 घंटा भजन कर ले, 2 घंटा भी बैठ के नाम जप कर ले, तो खुद में इतने चौड़े हो जाते हैं, इतना अहंकार भर जाता है, अरे हमारा भजन 2 घंटे हो रहा है, हमारा भजन 4 घंटे हो रहा है, हम इतना भजन कर रहे हैं, हम इतना भजन कर रहे हैं, हमारे से बड़ा कोई भजनानंदी थोड़ी है, हम तो खूब भजन कर रहे हैं। मन में यही आता है, हमारा तो भजन बहुत है, खूब नाम नाम कर रहे हैं, खूब नाम जप कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जानो नहीं कछु भजन उपाय, हनुमान जी कहते हैं मैं तो भजन क्या होता है कैसा होता है देखने में भजन कैसा लगता है हमें तो पता ही नहीं है,
ये भजन देखने में कैसा होता है हमें नहीं पता। सो सब तब प्रताप लगुदाई, जो हुआ वो आपने किया, आपकी कृपा से हुआ, आपके प्रताप से हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। भक्ति में संकट, भक्ति में बाधा तभी आती है जहां अपने में भक्त को लगा हाँ मुझ में कुछ योग्यता है, मुझ में कुछ बल है, अरे मुझ में बहुत समझदारी है, मुझे इतनी विद्याओं का ज्ञान है, मैं तो बैरागी हूं, काम क्रोध लोग तो मेरे पास में ही नहीं आते हैं, अरे पैसे को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता, कहीं कहीं सुनते ना अरे मैं तो पैसे को छूता भी नहीं है, बैराग त्याग जब इतना जब इतना करता हूं मैं, इतना जब करता हूं मैं, इतना जब करता हूं, दिन भर की 50,000 जब माला में कर लेता हूं, ये सब क्या है, ये सब अभिमान होता है। भक्त अपने में कोई योग्यता नहीं देखता, भक्त तो स्वयं को सर्वथा अयोग्य ही समझता है, इसलिए भक्त में भगवान की योग्यता ही कार्य करती है, भगवान की शक्ति ही कार्य करती है। एक भगवान के शरण हो जाए तो बस सब काम फिर भगवान का हो गया, है ना। एक भगवान के शरण हो गए, अब जो काम है, जैसा काम है, जितना काम है, वो सब कुछ अब केवल और भगवान का, यही अनन्य भक्ति है। योगक्षेम बाहम्यम, एक बाणी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति ना आने की, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो भी अनन्य रूप से, अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित हो, भगवान का भजन करो। भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना ध्यान करता हूं, है ना। भक्त जप तो इसलिए करता है कि भाई इसके बिना करें तो करें क्या, अब तो करने के लिए कुछ रहा नहीं, करने के लिए करें क्या, तो लाओ जप ही कर ले, करें क्या, क्योंकि बढ़िया काम तो यही है, दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज ब्याही, तो भाई सबसे बढ़िया काम तो यही है, तो क्या करें, भजन कर लें। लेकिन भजन के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, भजन के द्वारा मैं भगवान को मजबूत कर दूंगा, भगवान को अपने सामने प्रकट होने के लिए मजबूत कर दूंगा, मैं भजन के द्वारा ऐसा कर दूंगा, मैं भजन के द्वारा वैसा कर दूंगा, ये जो भाव है ना, ये भाव भगवान भक्त में नहीं होता, ये भाव भक्त में नहीं होता। उसका तो ये भाव है कि देखो जो भजन हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और भगवान की जो प्राप्ति है वो भी केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होगी, भगवान की कृपा के बिना कोई सहारा है कहाँ है, ये है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं, भगवान का मिलना अनन्य भक्ति से सरल हो जाता है। कोई कहे कि देखो भी हमें तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे में मेरे में किसी प्रकार की कोई कामना तो है नहीं, तो क्या करूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे में कोई कामना नहीं है तो क्या करूं, तो मन में यही आवाज आएगी कि भाई तो फिर भजन करो, राम राम करो, क्या करोगे जब कुछ करने के लिए नहीं है। कोई कहे कि भाई हमको तो सब कुछ चाहिए, भोग चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, इज्जत मान सम्मान भी चाहिए, शरीर भी बढ़िया चाहिए, है ना, बेटा बेटी भी चाहिए, तो क्या करें, तो भी उत्तर यही मिलेगा कि भाई भगवान का भजन करो। कारण क्या है, कारण क्या है कि सब कुछ भगवान ही दे सकते हैं, पुरुषार्थ से सब चीजें मिल सकती तो भाई मिल नहीं जाती, सब चीजें पुरुषार्थ से नहीं मिलती है ना। कोई कहे कि मेरे को मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करूं, तो भी उत्तर यही मिलेगा भाई भजन करो। सबके लिए एक ही उपाय है कि भाई रात दिन भगवान का भजन करो, भगवान में लगे रहो। जैसे बच्चा होता है ना, वो केवल माँ पर निर्भर रहता है, कोई काम पड़े तो माँ माँ माँ, भाई इसके सिवा क्या कर सकता है। तो उसी प्रकार जो भगवान का भक्त हो गया, भगवान का हो गया, जो भगवान की शरण चला गया, वो क्या कर सकता है, तो भजन करे, करे तो करे क्या, तो फिर वो राम राम करे, भाई भजन करे। गोस्वामी जी महाराज देखिए कितने वृद्ध हो गए, जब उन्होंने विनय पत्रिका लिखी तो गोस्वामी जी वृद्ध हो गए थे, और वृद्ध होने पर भी गोस्वामी जी स्वयं को बालक स्वरूप ही मानते हैं, मां मां ही करते हैं अभी भी, बालक स्वरूप ही मांगते हैं। और इसीलिए देखिए
सीता जी से क्या कह रहे हैं माता जी से, कब वो अंब के ही अवसर पाए। मां कभी यदि अवसर मिले है ना, कभी यदि अवसर मिले मिले तो मेरी उस सुधी छाई हुई कछु करण कथा चलाई। कि मां राम जी के सामने मेरा नाम इस प्रकार से मत लेना है ना, मेरा नाम इस प्रकार से मत लेना, पहले भक्तों की कुछ करुण कथा कहना कि प्रभु आपका भक्त ऐसा था, प्रभु आपका भक्त ऐसा था। और जब राम जी उन भक्तों की कथा, भक्तों के चरित्र सुनकर प्रेम में एकदम गदगद हो जाएं, प्रेम में भाव विभोर हो जाएं, तब कहना दीन सब अंग हीन छीन मलीन अघि अघाई, नाम ले भले उधर एक प्रभु दासी दास कहाय। कि हे नाथ एक है ना, एक आपका दास है जो आपका नाम ले भरी उदर, जो आपका नाम लेकर ही पेट भरता है, वो दीन है, दीन सब अंग हीन छीन मलीन अघि अघाई, वो सब प्रकार के सुलक्षणों से रहित है, उसमें कोई अच्छा लक्षण नहीं है, दीन है सब अंगहीन है ना। माता जी से कहते हैं ना कि माता कभी राम जी के सामने हमारी कथा कहना। तो गोस्वामी जी तो माता जी को भी लोग दे देते हैं ना, लालच दे देते हैं, माता जी को भी लालच दे रहे हैं, लालच कह रहे हैं कि देखो मैया अगर हमारा काम हो जाएगा ना तो आपके जो पति है ना रघुनाथ जी, देखो मैं उनके गुण गाऊंगा, मैं उनकी लीला का विस्तार करूंगा, मैं उनके चरित्र लोगों को गा के सुनाऊंगा। ये भक्त का भोलापन है, सरल स्वभाव न मन कुठलाई, ये भोलापन है, यह चालाकी नहीं है। इसीलिए तो भक्तों के लिए कहा गया है सरल स्वभाव न मन कुठलाई, कपट गांठ मन में नहीं, मन में कपट की कोई गांठ नहीं है, सब सो सरल स्वभाव, और सबके साथ सरलता का स्वभाव। राम जी के प्रति ही कपट हो ये आवश्यक नहीं कि राम जी के लिए निष्कपट हो गया, बाकी दुनिया भर में सबसे ठगी चल रही है, सबको स्वार्थ बोलना, झूठ बोलना, लोभ लालच नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, और सबके प्रति जो सरल हो जाए। नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव, नारायण स्वामी कहते हैं कि उस भक्त की नाव तो स्वतः ही किनारे लग जाती है, स्वतः ही वो नाव भवसागर से पार हो जाती है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति में केवल भगवान का आश्रय, किसी साधन का नहीं, किसी का बल का नहीं, किसी अपने साधन का नहीं, अपने किसी बल का नहीं, कोई जप का नहीं, कोई तप का नहीं, कोई व्रत उपवास यदि आप लोग कर रहे हैं, किसी का बल नहीं, एक भरोसो एक बल एक आशीर्वाद, बस रघुनाथ जी। व्रत हुआ राम जी की कृपा से हुआ, नाम जप हुआ राम जी की कृपा से हुआ, नाम में मन लगता है राम जी की कृपा से लगता है ना, नाम मिला राम जी की कृपा से मिला, सब कुछ केवल सो सब तब प्रताप रघुराई, सब प्रभु आपकी ही कृपा है, सब प्रभु आपका ही प्रताप है। ये होती है अनन्य भक्ति, ये होती है अनन्य शरणागति। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।